और अब बारी है आपको पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो कि बसपा का बड़ा चेहरा है और ये है फरीद अहमद। जी हाँ, फरीद अहमद बरखेड़ा में बसपा का बड़ा चेहरा है। बसपा ने फरीद अहमद को बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है। दलित और मुस्लिम वोटर्स के बीच में ये मजबूत बैठ रखते हैं। खुद को हाजी रियाज का रिश्तेदार बताते हैं, जो कि इलाके के कद्दावर नेता रहे हैं। और अब रुख करते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। सर, बरखेड़ा विधानसभा सीट पर वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी का प्रभाव दशकों से है, सपा भी यहां पर मजबूत रही है, तो इस बार क्या समीकरण बनता देख रहे हैं आप 2022 के विधानसभा चुनाव? जाता था 2017 में जिस तरह से मोदी लहर के चलते ये सपा ने सीट गंवाई और भाजपा के पाले में ये सीट चली गई। इस बार टक्कर बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस समय पिछली स्थितियों से काफी उभर आई है, पारिवारिक विवाद काफी सुलझा लिए गए हैं और जो अभी अनसुलझे हैं उनकी ओर काम चल रहा है, तो समाजवादी पार्टी इस बार भाजपा के सामने सीधी टक्कर देने की स्थिति में है। और पीलीभीत की तो पांचों सीटों की स्थिति यह है कि पिछली बार भाजपा यहाँ पर आ गई थी और उसने अच्छी प्रचंड यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि मेनका गांधी का परिवार जो 32 साल से इस सीट पर लोकसभा क्षेत्र में प्रभावी रहा है, जी जी जी, अब वो भाजपा से कुछ नाराज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है। तो ये नाराजगी आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रंग दिखाएगी, क्या प्रभाव दिखाएगी, इस पर जरूर सबकी नजर रहेगी। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे मेहमान रवि अरोड़ा जी। और अब बारी आपको पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट के उन मुद्दों के बारे में जानकारी देने का, जो की आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। पहला बड़ा मुद्दा तहसील की मांग है, इसको लेकर इलाके के लोग लंबे अरसे से आवाज उठा रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा उच्च शिक्षा का है, इसको लेकर नए डिग्री कॉलेज बनाने की मांग भी की जा रही है। तीसरा बड़ा मुद्दा किसानों का है और इसके तहत कई किसान केंद्र के कृषि कानूनों से नाराज दिखाई दे रहे हैं। बरखेड़ा से भाजपा विधायक किशनलाल राजपूत का कहना है कि वो फिर से विधायक बनेंगे तो सबसे पहले जनता की छठी तहसील की मांग पूरी करेंगे। और वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हेमराज वर्मा का आरोप है कि भाजपा ने इलाके का विकास ही नहीं किया। सबसे पहले जो क्षेत्र की जनता की मांग है कि बरखेड़ा विधानसभा में एक नई तहसील छठी की स्थापना हो, तो उसके लिए हमने गजरौला पर नई तहसील की माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम तहसील की स्थापना कराएंगे। पर्यटन क्षेत्र में तमाम सारी अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जो है इस सरकार में कोई भी एक भी काम नहीं हो पाया। सड़कों का बुरा हाल हर तरफ और स्वास्थ्य सेवाओं में, हमने बरखेड़ा में अस्पताल दिया और भी तमाम सारे स्वास्थ्य केंद्र ठीक कराने का काम किया, लेकिन इधर ये कुछ नहीं कर पाए। और वही अब बारी है उस सत्य के पत्ते की, जो कि पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट पर हर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट का सत्य का पत्ता वो लोध राजपूत और किसान हैं जिनकी तादाद इलाके में सबसे ज्यादा है और जिस उम्मीदवार की ओर ये मुड़ते हैं, चुनाव का नतीजा भी उसी पक्ष की ओर मुड़ जाता है। ये वो वोटर है। फिर से रुख करते हैं पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। रवि जी, इस बार जो ये दो वोटर्स हैं, दो क्लासेस हैं वोटर्स के, इनका रुझान किसकी ओर रहने वाला है, क्या आपको संकेत दिख रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई दोराय नहीं कि उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर बिहार में और इस तरफ जातिगत ही आधार पर वोट दिए जाते हैं, तो लोध राजपूत तो जाहिर है भाजपा के पक्ष में ही जाते दिखाई देंगे। लेकिन जो एक बंटवारा हुआ है किसान और नॉन किसान का, तो अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में एक वीडियो बड़ा चर्चित हुआ था जिसको काफी इन्होंने आगे बढ़ाया था वरुण गांधी जी ने, कि किसान अपने ईख के खेत जला रहे हैं, तो ये किसान काफी आंदोलित हो गया उस वीडियो के बाद। और जिस तरह से वरुण गांधी किसानों के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, कि मामला काफी गर्म हो गया है, तो किसान मुझे लगता है अगर एकजुट हो गए तो ये भाजपा के लिए काफी खतरा, बड़ा खतरा हो सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि किसानों की नाराजगी बड़ा खतरा हो सकती है और समीकरण बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।